गुड इवनिंग एवरीबॉडी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाय एवरीवन, विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैव अ हैप्पी हेल्दी एंड अ वेल्दी न्यू ईयर अहेड। हेलो, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड it's interesting because this topic no one has ever dealt with. It's like how to set up your own laboratory, and if everybody can hear me, give me a thumbs up. Thank you Hardy. If you can hear me, give me a thumbs up so that I know we can go ahead. Hi Dimple. Yeah, thank you Anushree. Okay, and we have Kunal also with us, so we won't waste much of a time. Thank you Krishal, we will just go ahead. So the guest for today is very, thank you Trupti, the guest for today is very interesting. He is a consultant biochemist and molecular biologist from last 11 years, so ek pure decade ka experience hai unke paas. और वो हमको बताएंगे कि हाउ टू सेट अप योर ओन लेबोरेटरी. सो वील जस्ट आस्क हिम टू बी विद अस, डोंट वेस्ट मच ऑफ अ टाइम. एंड स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आपके जो जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप लोग डाल दो. हेलो, वेलकम सर, गुड इवनिंग, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. सो आई इंट्रोड्यूस सर. Sir Dr. Jayesh Varale is a consultant biochemist and molecular biology specialist. He is NABL assessor, NABH assessor, और बहुत कुछ है. मतलब आप लोग उनसे जितना ज्ञान ले सकते हो ले लो, वापस इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा. मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके उनको प्लेटफॉर्म पे लाया है. सो ही हैज मोर देन 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जितना मुझे भी नहीं है, जितना आप लोग तो अभी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी पता नहीं होगा. तो वी कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चंस ऑफ हाउ टू सेट अप अ लेबोरेटरी. एंड करेंटली ही इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया, मदुरई, एंड ही लुक्स, ही इज द हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, हेड ऑफ द लैब एट मीनाक्षी हॉस्पिटल मिशंस. सो सर, एनीथिंग यू वुड वांट टू से बिफोर वी स्टार्ट? नो नो, दैट्स फाइन. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. Thank you, sir. So we won't waste much time, and we'll start with the session right now. So we received a lot of questions. एक question था पैसे के बारे में. सबसे important question है पैसे के बारे में. कितना पैसा लगता है? How much money is required to set up our own laboratory? So maybe we can start. तो सबसे पहले जो चीज है, जो पैसे की आई है, तो पैसे के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू पैसा कितना लगता है. आई होप एवरीबडी इट्स माय वॉइस इज ऑडिबल. सो आई एश या थैंक यू. सो पैसा कितना लगता है? नाउ जब आपको लैब स्टार्ट करनी है तो मोस्टली हम लोग जो कुछ लोग होते हैं या जो कुछ स्टार्टअप जो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मैं हायर लिमिट नहीं बताऊंगा, क्योंकि हायर लिमिट आपके पास जितना भी आप पूरा इन्वेस्ट कर सकते हो और आप एक लैब स्टार्ट कर सकते हो, बट मिनिमम जो लगता है उसका मैं एक रफ एस्टिमेट दे दूं कि एक 5 लाख टू 7 लाख इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट आपको लगता है. इसमें मैंने प्लेस या लोकेशन या तो जो अपना रेंटल एरिया या जो भी होता है उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है, क्योंकि इट डिपेंड्स आप कहाँ पे लोकेटेड हो. इफ यू वांट टू स्टार्ट लैब इन मुंबई, ऑब्वियसली विल इवन अ स्मॉल प्लेस विल कॉस्ट यू अराउंड सम 50,000 rupees और मेबी 80,000 rupees रेंटल पर मंथ. तो मैंने ये एरिया नहीं इंक्लूड किया हुआ है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी मतलब जो आपको ये लगेगा एक फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका कॉस्ट मैंने नहीं इंक्लूड किया हुआ. बट एक बेसिक लैब जो है, आप एक 5 लाख टू 7 लाख में एक गुड लैब यू कैन स्टार्ट, जिसमें आप बायोकेमिस्ट्री रूटीन कर सकते हैं,
रूटीन हेमेटोलॉजी कर सकते हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी कर सकते हैं, एडिशनली आप कुछ कार्ड टेस्ट, रैपिड टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, वो भी आप उसमें कर सकते हैं। प्लस आपको कुछ रिकरिंग कॉस्टिंग होगा, मतलब रिकरिंग एक्सपेंसेस जिसको हम लोग कहते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आपको हर महीने देना है, जिसमें रेंटल, अगेन आई एम कीपिंग असाइड, बट मैन पावर कॉस्ट आपको अगर स्मॉल लैब से स्टार्ट करना है, मे बी 3 टेक्नीशियंस आई विल कीप इट एज अ मिनिमम जो आपको लगेंगे एक रूटीन प्रोसेसिंग ऑफ द लेबोरेटरी, कि अगर लेबोरेटरी का रूटीन वर्कअप आपको करना है तो एक 3 टेक्नीशियन या 3 जो भी काम करने वाले हैं वो आपको मिनिमम लगने हैं, क्योंकि आपको उनको डिवाइड करना है, एटलीस्ट वन मॉर्निंग ड्यूटी, वन इवनिंग ड्यूटी एंड वन पर्सन फॉर टेकिंग केयर ऑफ ओवरऑल अदर थिंग। तो 3 लोग आपको मिनिमम लगने हैं। इसमें भी मैंने अगेन एक पार्ट नाइट ड्यूटी मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बेसिकली हम लोग जब एक लैब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इतना ओपनली या इतना कैजुअली नहीं कर सकते कि हम लोग नाइट ड्यूटी, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपको नाइट में कितने सैंपल्स आने वाले हैं, या नाइट में इज इट रियली नेसेसरी टू हैव वन पर्सन इन द नाइट, सो इट इज बेटर टू कीप 3 पीपल हु विल डू द डे ड्यूटीज, एंड फिर उनके वो वीक ऑफ्स आते हैं, उनके संडे ड्यूटीज आते हैं, फेस्टिवल हॉलीडेज आते हैं, तो इट इज बेटर यू कैन स्टार्ट विथ 3 पीपल। सो अगेन इनकी सैलरीज इट मे वेरी, विच स्टार्ट फ्रॉम 8,000 रुपीज पर मंथ एंड गोज अप टू 15 और मे बी 16,000 रुपीज, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिफिकेशंस, बिकॉज हम लोगों को डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज होते हैं, डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज होते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन लैब टेक्नोलॉजीज होते हैं, सो इट डिपेंड्स, द स्टार्टिंग सैलरी कैन स्टार्ट फ्रॉम 8,000 एंड गोज अप टू 15,000 इवन इफ द पर्सन इज अ पोस्ट ग्रेजुएट। सो ये एक पार्ट मैंने बताया। उसके बाद आपको हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको वाटर एक्सपेंसेस आने वाले हैं, आपको कुछ रिएजेंट्स कंज्यूम या परचेज करने हैं हर महीने, कुछ कंज्यूमेबल्स परचेज करने हर महीने, उसके अलावा आपको जो मतलब एक ऑर्गेनाइज लैब अगर हम लोग बनाते हैं तो उसका मंथली बायोमेडिकल वेस्ट के चार्जेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच वेस्ट यू आर जनरेटिंग। तो ये सारी चीजें आपको एक रिकरिंग एक्सपेंसेस की तरह, मतलब हर महीने आप सैंपल टेस्ट करो या ना करो, या इवन यू प्रोसेस एटलीस्ट 100 सैंपल्स पर मंथ और यू डोंट प्रोसेस इवन 10 सैंपल्स पर मंथ, लेकिन ये रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है ये आपको हर महीने आने ही वाले हैं। तो सो देर आर टू कॉस्ट, वन इज फिक्स असेट कॉस्ट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज रिकरिंग कॉस्ट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंक्लूड्स मेनली द इक्विपमेंट परचेस एंड द कंज्यूमेबल परचेस एंड मे बी सम इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको अगर कुछ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टेबल्स, चेयर्स कुछ खरीदने हैं, रिसेप्शन बनाना है, अच्छा डिजाइनर रिसेप्शन अगर आपको बनाना है, एक प्रॉपर लुक उसको देना है, तो ये सारे आपको इनिशियल एक्सपेंसेस आएंगे, जिसका मैंने कह दिया यू शुड हैव एटलीस्ट 5 लाख मिनिमम फॉर ऑल दिस थिंग्स। इसमें मैंने इक्विपमेंट के लिए एक बायोकेमिस्ट्री सेमी ऑटो एनालाइजर इसमें मैंने इंक्लूड किया है, जिसका कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख आता है। उसके बाद मैंने एक हेमेटोलॉजी एनालाइजर 3 पार्ट काउंटर, जो मैंने मिनिमम से, जो मैं कह रहा हूँ जो मिनिमम स्टार्टिंग में जो रेंज में था, उसमें एक 2 लाख का एक हिमेटोलॉजी एनालाइजर आएगा। उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी के लिए आपको एक 50 to 70,000 का एक इक्विपमेंट आएगा। उसके बाद एक माइक्रोस्कोप आएगा विच विल कॉस्ट अराउंड 8 to 10,000, अ गुड माइक्रोस्कोप यू कैन गेट अराउंड 8 to 10,000। एक सेंट्रीफ्यूज, अगेन इट विल कॉस्ट अराउंड 8 to 10,000 एंड देन उसके बाद उसके अलावा सम पिपेट्स, अगेन इट विल कॉस्ट, सेट ऑफ पिपेट्स विल कॉस्ट अराउंड 6 to 7,000। सो ये सब मिला के इट विल बी अराउंड समवेयर अराउंड 3.5 to 4 लाख, एंड देन 1 लाख इन योर टेबल्स, चेयर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सम इंफ्रास्ट्रक्चरल, सम डेकोरेशंस, साइन बोर्ड। सो इतना सब मिला के मैंने एक 5 लाख का एक बहुत ही मिनिमम बजट एक रखा है, कि इतना अमाउंट तो आपके पास चाहिए ही चाहिए, जिसमें आप एक बेसिक लैब स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया बजट के बारे में, देन वी कैन गो फॉर द नेशन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर एक क्वेश्चन पूछना है, आई गॉट स्केयर्ड नाउ ओनली, बजट तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इतना तो मतलब आई ओनली गॉट स्केयर्ड राइट नाउ कि ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, ये कब तक हम कमा लेते हैं?
सी इसके लिए एक मैं कहूँ कि आपको एक डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ। अगेन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप इट्स नॉट थिंग टू स्केरी बट एवरीबडी स्टार्ट लाइक दैट। इवन इट्स नॉट द बेसिक लेबोरेटरी बट इवन इफ यू सी कॉर्पोरेट लेबोरेटरीज और बिग स्टैंड अलोन लेबोरेटरीज दे डोंट एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट टिल 6 मंथ। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही मिनिमम कहा है कि 3 मंथ या 3 महीने का तो आपके पास रिकरिंग एक्सपेंस आपके जेब में ऑलरेडी तैयार होने चाहिए। 5 लाख रुपीज स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लस 3 महीने के मिनिमम रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके जेब में रेडी होने चाहिए। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस में जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल्स, सैलरीज एम्प्लॉयज की, तो ये सारी चीजें प्लस वाटर एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें एक मिनिमम 3 महीने की आपके जेब में ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए। एंड बेसिकली देर इज नथिंग टू स्केयर। एक बात मैं बता देता हूँ, देर इज नथिंग टू स्केयर, द मार्केट इज वेरी वाइडली ओपन। मैंने आज तक छोटे मोटे काफी सारे लैब देखे हैं लेकिन छोटा लैब कभी नहीं बंद होगा, इतना आप ध्यान में रखो। छोटा लैब कभी नहीं बंद होगा, बड़ा भले ही बंद हो जाए या कोई दूसरा उसको टेक ओवर कर ले, लेकिन तब भी बड़ा भी रहे तो भी मैंने कभी देखा नहीं कि लैब बंद हो गया। सो मार्केट इज वेरी ओपन, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मार्केट और बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, कोरोना या कोविड ने आके उसमें और मार्केट को और बढ़ा दिया है। सो मार्केट इज वेरी ओपन, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो इसमें बहुत कुछ है अभी टू मेक मनी एज अ बिजनेसमैन। देखिए मैं यहाँ पे जो सारी चीजें और जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। डोंट थिंक एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक, और डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक, एक्सक्लूसिवली साइंटिफिक, बिकॉज हम लोग जब एक कोई बिजनेस करने का सोचते हैं, इट मे बी अ लेबोरेटरी, समबडी डज, कोई और अलग बिजनेस करता है, कोई अपनी नॉर्मल शॉप ओपन कर लेता है या कोई और बिजनेस करता है, सो इट्स लाइक अ बिजनेस। तो इसमें इसमें इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इट्स अ बिजनेस ओनली, लेकिन आप किसी को साइंटिफिकल भी सपोर्ट करते हो या किसी क्लिनिशियन को या किसी पेशेंट्स को आप सपोर्ट भी करते हो, तो वो चीजें तो है ही, लेकिन अ पार्ट ऑफ बिजनेस देर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल देयर इन दिस बिजनेस। आपने अगर देखा भी होगा कि हर कोने में लैब है, हर छोटे शहर में लैब है, हर नुक्कड़ पे लैब है, हर रोड पे लैब है, स्टिल देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज द रिक्वायरमेंट, मतलब जो डिमांड है वो अभी भी बहुत है, और ये अब कोई भी, मतलब अभी भी ये फुलफिल होने के अभी भी कोई नियर इन नियर फ्यूचर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना डेवलप नहीं है। वही सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू लेबोरेटरी ऑल्सो। सो अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटीज और काफी सारा वॉल्यूम्स बचे हैं। मतलब मैं तो कहूँ इवन आप लोग अभी तक मुझे मेरे हिसाब से 50-60% भी नहीं पहुंचे हैं एज फार एज मेडिकल लेबोरेटरीज और क्लिनिकल लेबोरेटरीज द सेक्टर इज देयर। सो देर आर स्टिल 40-50% स्टिल रिमेनिंग। तो इस डिपेंड्स कि आप कितना अपना डेडिकेशन दे सकते हो, और एज आई हैव टोल्ड 5 लाख रुपीज इज अ वेरी मिनिमम अमाउंट। आपको कोई भी और कोई दूसरा भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको इससे ज्यादा अमाउंट लगना है, या इतना तो अमाउंट आपको चाहिए ही। कोई मेडिकल स्टोर या प्रोविजन स्टोर भी आप ओपन करते हो तो आपको ऑब्वियसली उसमें कुछ कंज्यूमर्स ग्रोसरीज रखनी होती है, तो वॉल्यूम्स आर, मतलब जो कॉस्टिंग जो आएगी वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही आएगी या इतनी ही आएगी। सो आप एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस अगर कंसिडर करते हो तो 5 लाख रुपीज इज अ मिनिमम अमाउंट, और इसमें अभी बहुत प्रॉफिट बाकी है, बहुत बिजनेस बाकी है, बहुत वॉल्यूम्स बाकी है, बहुत डेवलपमेंट अभी बाकी है। तो इट्स नथिंग टू स्केयर एज फार एज द बजट एंड वेदर वी विल सर्वाइव, कि चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा पक्का चलेगा। और छोटा छोटा वाला ज्यादा चलता है, दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। छोटा वाला ज्यादा चलता है क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा होती है। आप एक सीधी सी बात एक समझ लीजिए कि आप अगर 50 पैसे की अगर कोई टॉफी खरीदते हैं और उसे 1 रुपए में बेचते हैं तो आप 100 रुपीज का प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर उसने भी आप अगर कोई 1000 रुपए की चीज खरीदते हो तो आप उसको 2000 रुपीज में बेचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसको 1100 रुपए में बेच सकते हो, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो सिर्फ 10% का रहेगा।
इन प्लेस ऑफ दैट, श्योर अगर आप दैट्स 50 पैसे की चीज खरीदते हो तो उसको 1 रुपए में बेच सकते हो, तो प्रॉफिट 100% है और बेचना आसान है. सो द सेशन और मे बी दिस सेशन वी विल फोकस मेनली ऑन स्मॉल लेबोरेटरी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट छोटा छोटा करके ही बड़ा बनेगा. बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि छोटे वाले को स्कोप है. सर वी टेक वन क्वेश्चन ओवर हियर, मेडिसिन प्लस मोर, ही इज ईगरली वेटिंग फॉर हिज क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. वर्थ ऑफ कलेक्शन सेंटर्स, व्हाट इज द वर्थ ऑफ कलेक्शन सेंटर्स? गुड. सो अगर आपका एक प्योर बिजनेस माइंड है, मतलब आपको एनी हाउ आपको अर्निंग करनी है, पैसे मतलब किसी भी तरीके से बिजनेस करना है, तो कलेक्शन सेंटर इज द बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल नेवर गो मोर देन 50,000. एक सेंट्रीफ्यूज, एक रेफ्रिजरेटर, एक रिक्वायर्ड तो एक कंप्यूटर सिस्टम, एक टेबल, एक चेयर और थोड़ा सा शो. सो इट विल कम अराउंड 50 to 60,000 प्लस अ रेंटल प्लेस ऑफ मे बी इवन 10 by 10, दैट विल बी अराउंड 100 square feet. इतना आपको रहे. और कलेक्शन सेंटर का बेनिफिट यह है कि यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड एंड मार्केट योरसेल्फ. आपको बाहर जाके खुद को मार्केट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है. ये काम ऑलरेडी बिग प्लेयर्स कर रहे हैं, और जो स्टैंड अलोन बिग लेबोरेटरीज है वो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं. तो आपको सिर्फ उनको सपोर्ट करना है कि वो जाके मार्केटिंग करे सैंपल्स पे या तो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स को कहे कि सैंपल्स लाओ हम लोगों को दो. आपको सिर्फ जाके कलेक्ट करके लाना है, या तो वो लोग आपको आपका आदमी भेजना है जो कलेक्ट करके आपके पास ले आएगा. तो कलेक्शन सेंटर इज अ वेरी गुड बिजनेस, उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, डेवलपमेंट है. द ओनली थिंग यू विल नॉट गेट योर ओन सेटिस्फेक्शन कि आप खुद कोई चीज कर रहे हो, मतलब टेस्ट जो पेशेंट का ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्टिंग आप जो कर रहे हो, बस उतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं आएगा. लेकिन वही सेम थिंग एप्लीकेबल हियर ऑल्सो कि आप 50 पैसे की चीज 1 रुपए में बेच सकते हो. तो यहाँ पे समझ लीजिए आप 50 पैसे की भी नहीं, सिर्फ 25 पैसे की चीज ही बेच रहे हो. आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट एरा वेयर आई हैव सीन दिस अमाउंट 25 पैसे एंड 50 पैसे. मे बी दिस जनरेशन डोंट नो अबाउट दिस ऑल दिस करेंसीज, बट वी हैव वर्क ऑन दिस करेंसीज. सो आई हैव स्टार्टेड विद दैट. तो छोटी लैब 50 पैसे, कलेक्शन सेंटर 25 पैसे और आसान. सो चीज बेचना और आसान है. ग्रेट, सो कलेक्शन सेंटर इज आल्सो गुड ऑप्शन. वेरी गुड ऑप्शन. सर वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन. अमित डॉट पीक्यू इज आस्किंग, सर हाउ टू चूज प्लेस लाइक नियर द हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स एक्सेट्रा, सो व्हाट्स एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द लैब? हाँ, तो इसके बारे में एक बता दूं कि अगर आपको लैब स्टार्ट करनी है, बेटर टू कोलैबोरेट विथ सम हॉस्पिटल. अगर हॉस्पिटल के पास शुरू करनी है या कहाँ शुरू करनी है, इससे अलावा मैं कहूंगा कि बेटर कि आप किसी हॉस्पिटल कैंपस में ही अगर जगह मिल जाए, मे बी प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे या 50-50 शेयरिंग बेसिस पे, 70-30 शेयरिंग बेसिस पे, या आप उनको रेंट दे रहे हो, आप उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह वो सब आप पे कर रहे हो, तो उसके बदले में अगर आपको वो कोई जगह प्रोवाइड करते हैं कि ब्रो टेक दिस प्लेस एंड यू जस्ट सेट अप योर लैब, जस्ट थिंग यू हैव टू पे इज जस्ट पे द रेंट एंड वाटर टैक्सेस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड द टेक्नीशियन. सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको कंफर्म बिजनेस पहले दिन से आएगा. जो मैंने कहा कि डोंट एक्सपेक्ट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉर 3 मंथ, वो यहाँ पे नलीफाई हो जाता है कि आपका पहले दिन से पैसे कमाना शुरू हो जाता है, पहले दिन से प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाता है. तो ये ऑप्शन है कि आप किसी हॉस्पिटल कैंपस में ही अगर पॉसिबल है तो लैब सेट करो. नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि जहां पे हॉस्पिटल्स है, जहां पे एटलीस्ट 2-3 हॉस्पिटल्स जहां पे है, वहां पे अगर इवन इफ इट इज अ स्मॉल प्लेस यू कैन टेक इट. इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. द थर्ड ऑप्शन आई विल से इज गो एंड जस्ट मार्केट योर सेल्फ ओपनली इन टू द मार्केट. मतलब आप ऐसी जगह जाइए, भले यहाँ पे कोई लैब ना हो, लेकिन आप जनरल पब्लिक को सीधे तरीके से मतलब सीधे तरीके से आप अप्रोच कर सको. या तो पब्लिक आपके पास डायरेक्टली आए, कि किसी पेशेंट के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो वो किसी लैब को ढूंढते हुए जाए, किसी कोने में, किसी हॉस्पिटल के लैब में जाए. इससे अच्छा अगर उसको सामने, अगर सामने सामने मेन एरिया में अगर कोई लैब दिख रहा है कि नहीं ये लैब है मेन एरिया है, मेरे घर के पास है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन. सो यहाँ पे फिर से मैंने दो चीजें कही है. एक
कि आपको किसी हॉस्पिटल डिपेंडेंट या किसी क्लिनिक डिपेंडेंट लैब खोल सकते हैं जो या तो हॉस्पिटल कैंपस में ही हो या तो उसके नजदीक हो, और दूसरा कि आपको डायरेक्ट कस्टमर्स मतलब डायरेक्ट पेशेंट्स या डायरेक्ट जनरल पब्लिक को अप्रोचेबल हो, तो ऐसे उस एरिया में आप लैब खोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग दो चीजें कहते हैं, एक कि एक इज फर्स्ट इज B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और सेकंड इज B2C मतलब बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर्स। सो इट डिपेंड्स कि आपका अप्रोच क्या है या आपको ज्यादा सूट क्या करता है, या आपको क्या लगता है कि मैं अगर ये करूंगा या तो मुझे ये हॉस्पिटल B2B की अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिल रही है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द पब्लिक। सो देर आर क्वाइट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, यहाँ काफी अच्छे एग्जाम्पल्स है जो डायरेक्ट B2C गए एंड दे हैव मेड अ लॉट ऑफ रिवोल्यूशन इन डायग्नोस्टिक। आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनी बिग प्लेयर्स और एनी बिग, बट यहाँ है ऐसे कुछ लैब जो डायरेक्टली B2C गए, डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर्स डायरेक्टली पब्लिक में ओपन अप्रोच किया हुआ एंड दे हैव बिकम अ वेरी बिग प्लेयर्स एंड मेजर प्लेयर्स। सो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा अप्रोच लेना है। दोनों ही अप्रोच बराबर है, दोनों में कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है ही, और दोनों भी नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब आप अगर B2B करते हो तो B2C नहीं कर पाओगे ऐसा नहीं है, और आप B2C करते तो B2B नहीं कर पाओगे ऐसा भी है। सो दो आर नॉट एक्सक्लूसिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, दोनों भी इंडिपेंडेंट नहीं है, आप एक के एक मतलब उसको मिक्स कर सकते हैं। सो दैट्स ग्रेट, हम कुछ भी कर सकते हैं। या देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम डिंपल, शी इज फ्रॉम सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग, शी इज हर नेम इज कोमल, शी इज फ्रॉम सावंतवाड़ी सिंधुदुर्ग कोंकण। मैंने बीएससी एलटी किया है, उसके आगे कॉलेज या कोई कोर्स कर सकते हैं क्या, और उसके कोर्स का इंफॉर्मेशन और कॉलेज बता सकते हो क्या? तो शी हैज डन बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, तो कैन डू ओके मास्टर्स। यू कैन डू मास्टर्स इन MLT, इफ यू आर डन बीएससी में यू कैन गो फॉर MSc MLT, या तो MSc लाइफ साइंसेस कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी और एनी अदर बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेस कर सकते हैं, जूलॉजी कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर सम अदर स्टडीज ऑल्सो। इसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज है, कोर्सेस है, गवर्नमेंट कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के है। उसमें मुझे लगता है कि देर इज नथिंग कि आपको रिस्ट्रिक्ट कुछ करना है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस है। सो यू कैन हैव योर ओन चॉइस रिगार्डिंग दिस। Yeah, and I feel totally that Komal, it totally depends upon your interest, where you want to go. You want to go this way, you want to go that way, or you want to go straight. And if you want to know more on this, set up a counseling session with me. And if there are more questions, please put it in the comment box, or otherwise, you can request to join in the video also. Okay, so there is one request that please speak in English so that other people can understand. हम लोगों को बहुत सारे रिक्वेस्ट आता है, हिंदी में बात करो, कभी कोई बोलता है इंग्लिश बात करो, सब कंफ्यूजन हो जाता है। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस। तृप्ति यादव इज आस्किंग हाउ कैन वी गेट लाइसेंस फॉर कलेक्शन सेंटर और लैब। सी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि सब लोगों ने पूछा कि बजट कितना होना चाहिए, कहाँ लैब ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है कि लाइसेंस या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये मैं बता देता हूँ कि आपको इसके लिए टिल नाउ इन थ्रू आउट इंडिया देर इज नथिंग सच रिक्वायरमेंट कि आपको कोई, यू शुड हैव सम लीगल लाइसेंस फॉर कलेक्शन सेंटर और यू शुड हैव सम लाइसेंसिंग अथॉरिटी और आपको कोई रजिस्ट्रेशन, इट्स स्टिल नॉट मैंडेटरी बिकॉज लाइसेंस इज नॉट एट ऑल अवेलेबल। सो लीव द लाइसेंस पार्ट, देर इज नो सच थिंग फॉर लाइसेंस फॉर कलेक्शन सेंटर, बट रजिस्ट्रेशन अगेन एज अ लीगल आइडेंटिटी और रजिस्ट्रेशन फॉर अ कलेक्शन सेंटर, दो इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज बेटर टू रजिस्टर योर कलेक्शन सेंटर और योर प्रीमाइसेस। सो यू कैन रजिस्टर इट अंडर सो मेनी व्हाट वी कॉल रेगुलेटरी बॉडीज, यू कैन रजिस्टर इट अंडर MSME, ये आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा अभी हाल ही में,
इट इज अ माइक्रो स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो कुछ इट हैज कम इन लास्ट सम फ्यू इयर्स आई थिंक फॉर सिंस 5 6 years गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इट. सो यू कैन रजिस्टर यूर सेल्फ अंडर MSME. यू विल रिक्वायर यूर बैंक अकाउंट एंड पैन कार्ड नंबर फॉर दिस एंड अ लाइसेंस अ प्लेस यू विल रिक्वायर अ एड्रेस प्रूफ फॉर दैट प्लेस. सो इट इज वेरी सिंपल. यू कैन रजिस्टर ऑनलाइन विद इन 5 मिनट्स. Within 7 days, you will get your registration by mail at your mail ID. So it is very simple. It doesn't require a single rupee. It is very simple and it is value and it is acceptable for all the government, non-governmental, private. Everybody is accepting it. So it is the easiest way to register yourself, your collection center, or any your business. You can register under MSME. So for that, I have already told you need a PAN card, you need Aadhaar card, you need passbook of your bank. एंड यू नीड अ एड्रेस वेर यू आर गोइंग टू ओपन अ कलेक्शन सेंटर. तो आप जहां पे कलेक्शन सेंटर ओपन करने वाले हैं उसका एड्रेस प्रूफ, एक बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड, सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए. आप ऑनलाइन MSME की वेबसाइट पे जाकर इसको अपलोड कर सकते हैं. 5 मिनट का रजिस्ट्रेशन का काम है. 1 हफ्ते में आपका रजिस्ट्रेशन आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा. नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज द इजिएस्ट थिंग. देन देर आर अदर थिंग्स विच आई विल टेल यू. शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो महाराष्ट्र में और गुजरात में फॉलो होता है और मे बी मेनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ऑल्सो इट इज फॉलोड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट. देन देर इज अ CEA क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट. यू कैन रजिस्टर फ्रॉम योर लोकल IMA बॉडी. यू कैन रजिस्टर विथ योर लोकल कॉर्पोरेशन. यू कैन रजिस्टर विथ योर लोकल पंचायत. सो दीज आर ऑल ऑप्शन अवेलेबल. दो अगेन I am saying it is not mandatory, but it is better to register because you are going to generate lot of biomedical waste. आप काफी तरह का biomedical waste generate करने वाले हो, collection center हो या laboratory हो, तो उसके discarding के लिए आपको एक proper तरीका होना चाहिए. Otherwise, you will get periodic fines on you that you are not discarding. Maybe the public living around, they can complain against you that you are throwing your biomedical waste in the open ground. So it is better you register under any organization or any one body or MSME, get it registered properly, और उसी के basis पे आपको biomedical waste का registration करना है क्योंकि वो mandatory है. Biomedical waste registration is mandatory, तो आपको वो करना है. तो अगर आप कोई एक registration करते हैं तो उसके basis पे आप biomedical waste registration कर सकते हैं. So it makes the process easy. मतलब आप कोई legal complications में नहीं फंसेंगे और सारा एक प्रॉपर प्रोसीजर से होगा. अगेन आई एम इंसिस्टिंग इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज बेटर टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड. तो इट्स इजी मींस योर प्रोफेशन और योर बिजनेस विल बी इजी. और बिजनेस इजी होना चाहिए. बिजनेस इजी होना चाहिए क्योंकि बहुत काम वैसे ही हमको करना पड़ता है. एंड मेडिसिन प्लस मोर डेफिनेटली माय फियर्स हैव कम डाउन. Sir has explained to us what is to be done, how it is to be done, and I hope your question is answered well. And he has another question. Collection center of any good brand, he wants to know. I will not recommend anybody. Everybody is good. Everybody is good. Everybody is doing good business. So, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक guideline दे सकता हूँ कि If you want to take a franchise or collection center of a good brand, so go into the market, have some inquiries, see what other collection center people are doing, how they are getting the payments or if everything is going fine, see how their communication or how their services are provided, how the marketing activities goes into the market. So isme you have to do some research. Aap thoda sa bahar jaiye, dekhiye, research kariye. देखिए कि आपके आस पड़ोस में नेबरिंग में क्या हो रहा है. मैं कोई ब्रांड यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, मे बी दैट ब्रांड इज नॉट प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज एट योर प्लेस. सो इट डिपेंड्स. मोस्ट ऑफ दिस ब्रांड हैव सर्विसेज थ्रू आउट इंडिया. सो मे बी सम ब्रांड इज प्रोवाइडिंग वेरी गुड सर्विस इन साउथ इंडिया, बट दैट ब्रांड मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड गुड सर्विस इन नॉर्थ इंडिया और मे बी वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. सो आपके एरिया में क्या है, थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए कि पेमेंट्स कैसे होते हैं, टाइम टू टाइम होते हैं कि नहीं, इसमें ड्यूज कितने होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने होते हैं, आपको इसमें कुछ फाइंस वगैरह पड़ते हैं क्या,
सैंपल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, लॉजिस्टिक कौन मेंटेन करता है, तो इसमें थोड़े लीगल टर्म्स वगैरह आप जरा बाहर देखिए, थोड़ा सा इसमें काफी सारी चीजें होती है। एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, आपको कितना कितना प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस कैसे होगा, तो ये अगर आप थोड़ा सा बाहर जाके रिसर्च करेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। इंस्टेड ऑफ मी रिकमेंडिंग एनी ब्रांड, यू कैन गो आउटसाइड, यू कैन हैव सम रिसर्च। एज आई टोल्ड, एवरीबडी इज गुड, दे आर डूइंग गुड बिजनेस, दे हैव लॉट ऑफ पेनिट्रेशन इवन इन इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, मेनी ऑफ देम। सो इट इज बेटर यू गो आउटसाइड, सी वॉट इज हैपनिंग इन योर नेबरहुड, एंड देन यू योर सेल्फ डिसाइड। So it is as simple as, अगर मुझे कोई शर्ट पसंद आती है तो वो जरूरी नहीं कि वो दूसरे को भी पसंद आए. So it's as simple as that. You have to see your suitability. And Rohit Singh, yes, you can put your question. Please put it. Shrisha is asking, BHMS करते हैं तो कुछ स्कोप है क्या मैम? BHMS का स्कोप अलग है. If you want to know more on that, set up a counseling session with me. I'll help you out with it. Medicine plus more to lab khol kar hi rahega. Definitely. He has so many questions. You need qualified personnel required for collection center. This is the next question. Okay. So again, I will come to the part. For a collection center, you need a person who can collect the blood sample. So they are basically called phlebotomists. The person who collects a sample are called phlebotomists. So for running a collection center, you need phlebotomists. Now again, coming to the Indian scenario, there are no educational courses which are exclusively for phlebotomists. There is nothing such in India at present. At least no university is offering it. No private institute is offering it. So there is no such requirement, again, as far as the qualification is concerned. But अगर आपको इसमें कुछ क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन चाहिए या कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, तो स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक फ्लेबोटॉमी का कोर्स ऑफर होता है। आई थिंक इट्स अराउंड 6 मंथ कोर्स, तो आप वो 6 मंथ का कोर्स कर सकते हैं। इट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो आई डोंट थिंक यू हैव टू पे एनी फीस फॉर दैट ऑल्सो। एंड मे बी इफ यू आर डूइंग इट इन सम रजिस्टर सेंटर, and you will get even a stipend also while doing this course. So this is a course from Skill Council of India, from the Government of India. You can register it and you can do the phlebotomy course for, in the Skill Council of India. But as such, if we see, there is no such qualification is required. There are no norms, there are no regulatory authorities who are going to watch your qualification as a collection center. So again, diploma in medical lab technology or degree in medical lab technology, postgraduate in medical lab technology, 10th pass, 12th pass, 8th plus, 7th plus, anybody can do it. There is no regulation, nothing is there. So it's fifth open market. Pass. Will, anybody can do it, it's an open market. Again, I am telling you, it is an open market. Nobody is going to come and ask you question on it, because even if somebody comes and asks you a question, you are a fifth pass and how you are doing this, or if you are something engineering graduate and how you are doing the collection of blood samples, nobody is going to ask. And even if somebody asks, you need not have to answer, because there are no guidelines, there are no regulatory, nothing is there. So anybody can do it. Sir, इसीलिए ना, और आपके स्टूडेंट्स that is why you know I put a lot of emphasis on phlebotomy, because there is nothing as such in phlebotomy. Nothing from phlebotomy. My page says a lot about phlebotomy, and I take workshop and lectures only on phlebotomy, because I know कि वो आपका first point of contact होता है lab में, और कोई उसको नहीं बताता. कोई उसको नहीं बताता. बिल्कुल सही बात. So that is the most important thing. And phlebotomy is the basis, is the basic part of any lab, and one should know it. आगे जाके इंडिया में भी definitely developments होंगे, and इसका भी कोर्स बन ही रहा है, almost तो बन ही रहा है, government में भी बन रहा है. So please try and make sure that you at least go through phlebotomy lectures and workshops. Yeah. I'm conducting one on 10 January, Monday. Very good, nice. And thank you. And there's Akshay Karinar from Mumbai Nala Sapara is asking, what qualifications need to set the proper lab? So sir has answered this question, but if
ही वांट्स टू नो अबाउट द सिग्नेटरी. सी कमिंग टू द पार्ट ऑफ सिग्नेटरी अगेन द गाइडलाइंस कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सिक्स मंथ. देर आर डिफरेंट गाइडलाइंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेनी ऑफ द स्टेट्स आर फॉलोइंग देयर ओन गाइडलाइंस. सो कीप फॉलो ऑफ द स्टेट गाइडलाइंस एंड नेशनल गाइडलाइंस. बेसिकली इट शुड बी एज पर योर स्टेट पॉलिसी और एज पर योर लोकल पॉलिसी और वो लोकल गवर्नमेंट पॉलिसी विद द लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटी पॉलिसी. सो इट शुड बी एज पर द नॉर्म्स. अगेन आई एम टेलिंग इंडियन मार्केट मेडिकल लेबोरेटरीज आर स्टिल मोर देन 80% आर अनरेगुलेटेड. सो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल हु शुड वॉट क्वालिफिकेशन शुड बी रिक्वायर्ड और हु शुड ओपन अ लैब. But it will get regularized, it will take time. But again, if you want to come to the authorized secretary, I will just mention, please follow the guidelines which are applicable in your state or which are given from your local regulatory bodies or the corporation bodies simply. It does, and keep on following because it goes on changing every 6 months or every year some new guidelines will come. So please follow it and you can do accordingly. It's basically like Mumbai ki barish. हर साल कुछ नया दिखाती है. वैसे सिग्नेटरीज चेंज होते रहते हैं. सिग्नेटरीज आर द वंस हु साइन ऑन द रिपोर्ट, सो द रूल्स कीप ऑन चेंजिंग. सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू लुक आफ्टर. एंड कृणाल रंबाद इज आस्किंग, लैब का बिजनेस मॉडल क्या है? आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन. बिकॉज लैब का मॉडल, मेडिकल लेबोरेटरीज और क्लिनिकल लेबोरेटरीज वर्क ऑन टू मॉडल्स एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी. एक है बी टू बी और एक बी टू सी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर्स. सो दीज आर बेसिकली टू मॉडल्स. यू कैन गो इनटू मोर डिटेल्स हाउ इट वर्क्स एंड हाउ मींस इफ यू सी इट, इट लुक्स वेरी सिंपल, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी एंड बी टू सी. बट इफ यू वांट टू गो मोर इनटू डिटेल्स, मे बी यू कैन कॉन्टेक्ट द ऑर्गेनाइजर मैम, शी कैन टेल यू, और मे बी वी कैन शी कैन फैसिलिट द कन्वर्जन बिटवीन द. So you can go into the details, but basically these are only the two models. One is B2B and B2C. How it works? There are so many things affect it, and we don't want to go into the open discussion with all these things how it works. But these are the two models. One is B2B and B2C. That's it. Definitely. Any other questions? Please put it in the chat box, or if anybody wants to ask questions directly to sir, so you can put me a request and I'll take you up in the video. In the life. Actually, this is a very wide topic and it requires a lot of continuation. So, I will request sir to come once more in the live session in the next month so that there will be more questions. We can discuss the questions again and again. Because I feel that lab has a lot of potential. It's a very good business. Ab maybe business terms mein bol rahi hu, but it has a very good business. You can earn a lot, and I think it will be the best option. Khud ka khud karo. But my only problem is that actually I've seen many labs shutting down, so that is why I get scared. And I will just tell you, labs do get shut down mainly because of the operational reasons, not because they are making losses. The operational reasons, मतलब वो उनका काम करने का तरीका कैसे है, या तो उसमें कुछ conflict आ जाते हैं, या तो any such things due to this the lab some labs stop functioning or they are not able to take it to the new level, or maybe even we have seen some big labs have been taken over by some other lab. This is mainly happens because of the operational issues. There are some labs which have come in big and they started expanding very rapidly and very explosively they expanded, but with this much expansion they were not able to maintain their operations, they were not able to carry out their operations, and the operating was very difficult or the margins became very thin. So that is how they were been taken over by some other laboratories or maybe by some other owners. The ownership get changed basically. The lab doesn't, the ownership keep on changing. Sir, a question meri taraf se. So if you have two options, one to do job and one to do set up a lab.
हाँ, शेल्टर. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू. वेदर आई और यू और एनीबडी एल्स हैव दिस क्वेश्चन, आई विल गिव सिंपल आंसर बिकॉज आई डोंट हैव द आंसर. इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, योर वर्किंग पैटर्न. डू यू सी सम पीपल विल हैव देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स बिजनेस, सो दे शुड डू द बिजनेस. सम पीपल कैन वर्क वेरी वेल. इट्स नॉट लाइक दैट वर्किंग इज अ बैड और बिजनेस इज अ बैड. Every both the things have their own positives and negatives. Those who are working, they are good at working, so they will work. Those who are doing business, they are good at selling, so they will sell their stuff. Basically, if you see at the core, both are doing the same job. They are taking the samples, they are taking the patient sample, they are processing it, they are testing it, and they are giving the result. One is doing for himself, the other person is doing for some other person. So it depends how better I can sell my product or how better I can sell some other's product. So if you are able to sell other's product, somebody else's product, you can do the job. If you are able to sell your own product, you can do your own business. अपना अपना है. अपना अपना है. किसी से बिजनेस होता है, किसी से काम करना होता है, किसी से बिजनेस बिल्कुल नहीं होता है. आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे से बिल्कुल. अपना अपना मतलब यू नो इट डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स. Many things affect it. It is influenced by a lot of things, not only the simple thinking of business or profit making or simple thinking of working. It depends a lot of things. It depends upon your own interest. It depends upon so many other factors, family situations. किसी को जॉब छोड़ के काम करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है. किसी को बिजनेस छोड़ के काम करना पड़ता है. सो लॉट ऑफ थिंग्स इन्फ्लुएंसेस इट. Sonali says, thank you, sir, for clearing so many questions. Krunal is saying, first do the job, then gain the experience, and then set up lab. वो भी अच्छा आइडिया है क्रुणाल. बस सिर्फ मेरी ना एक प्रॉब्लम है इसमें. एक बार आप जॉब करने लग जाते हो ना, उसके बाद फिर बिजनेस में आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. थोड़ा डिफिकल्ट होता है. इसलिए शुरुआत में घुस जाओ तो घुस जाओ. सनारी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस एंड आई एम टुवर्ड्स फीमेल एम्पावरमेंट. तो आप तो करो ही. मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों को करना चाहिए. आगे बढ़ो मेरी लड़कियों. एंड रवि से थैंक यू मैम, योर बायोकेम वीडियोस हेल्प मी अ लॉट इन एग्जाम. थैंक यू सो मच. So we had a very nice session. I enjoyed the session. Students, you enjoyed the session. Audience, it is the 1st January and you still made a point to come on and attend the live and helped us in being such a good audience, asked so wonderful questions. It was the best live till date because I had a lot. Lot of questions in the session and I enjoyed it thoroughly. Thank you, sir, for coming. And we would request you to come once more in the live next month so that we can gather up questions and again ask you so many questions. But next time we'll ask you more on molecular biology also. क्योंकि आजकल लोगों का बहुत ये है कि हम कोविड का टेस्ट का क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जल्दी जल्दी मिल रहा है ना उसका भी करने को टेस्टिंग, और पैसा भी मिल रहा है. तो वेयर देयर इज मनी वी नीड टू डिस्कस दैट. बिग बिजनेस. कोविड इज अ बिग बिजनेस. कोविड इज अ वेरी बिग बिजनेस. आई एम सॉरी टू लाफ ऑन इट बट बिजनेस बन गया है वो अभी तो है. In fact, I have seen people very happy to see the cases increasing again. So it is very bad. Yeah, if you see the ethical values, seeing the cases increasing again is a means it's not at all acceptable. But people are happy. Cases are increasing. They will get more number of tests. सर एक पिक्चर था हिंदी में अब वो वाला, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया. तो हमको तो सबसे रुपया ही चाहिए. मतलब ऐसा लोग सोचते हैं. आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद कोविड इंक्रीजिंग. मुझे डर लगता है, मुझे तो डर लग रहा है अपने लिए सबके लिए. बट या पीपल आर मिंटिंग मनी. आई अग्री विद दैट. पीपल आर मिंटिंग मनी, दे लव इट. सर थैंक यू सर. Sir, anything Thank you you, would thank want you, to thank you. share with the audience? Last tips, tricks, something unmol words आपके. सी हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, बजट देख लिया. उसको कौन सा कहाँ लैब बनाना चाहिए, कौन से एरिया में बनाना चाहिए, वो भी देख लिया.
उसके लिए पैसे कितने लगते वो भी देख लिया, उसके बिजनेस मॉडल्स भी देख लिए, उसका लीगल आइडेंटिफिकेशन या तो उसका रजिस्ट्रेशन वो भी देख लिया। तो मेरे पास सिर्फ 5 या 6 पॉइंट है, मैं बताऊंगा कि आपको लैब अगर सेट करना है तो उसके सिर्फ 6 पॉइंट है। सबसे पहली बात, आप क्लियर करके आपको क्या करना है, आपको लैब, वेर यू वॉन्ट टू ओपन द लैब, हुम यू वॉन्ट टू सर्व, और वेर यू वॉन्ट टू डू द बिजनेस, इंस्टेड ऑफ इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू सर्व, इवन इफ यू वॉन्ट टू डू द बिजनेस, वेर यू वॉन्ट टू डू द बिजनेस, वॉट इज योर टारगेट कस्टमर, वॉट यू वॉन्ट टू सर्व देम, और वॉट यू वॉन्ट टू, वॉट मेन्यू यू वॉन्ट टू गिव देम। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डू द रजिस्ट्रेशन, प्लीज फॉलो द लोकल गाइडलाइंस, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड थिंग, यू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इक्विपमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स। सो प्लीज स्टडी ऑल दिस रिसोर्सेस प्रॉपरली, वॉट टाइप ऑफ रिसोर्सेस यू आर गोइंग टू यूज, और हाउ मेनी रिसोर्सेज, वॉट इज योर बजट। सो ऑल दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी वॉट यू आर गोइंग टू सर्व, देन ओनली योर बजट पार्ट विल कम, एंड देन ओनली रिसोर्सेस विल कम। सो मेक रिसोर्सेस अवेलेबल और सी वॉट टाइप ऑफ रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल। सो दिस वॉज द फोर्थ थिंग। एंड फिफ्थ थिंग इज फॉलो एवरीथिंग विद प्रॉपर प्रोसीजर, इट विल रन वेरी गुड नाइसली। सो दीज आर द ऑल 5 पॉइंट विच अ लेबोरेटरी शुड रन, दैट्स इट। सर ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग आपको किसी को क्या देना है, आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलना है या नॉन वेजिटेरियन खोलना है रेस्टोरेंट। अगर आप ऐसी कहीं जगह जाते हैं कि जहां पे मोस्टली पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ नॉन वेज क्यूजिन रेस्टोरेंट, और द रेस्टोरेंट विच आर गोइंग टू सर्व ओनली नॉन वेज फूड, इट विल नॉट वर्क। सो प्लीज first of all let us see what you want to do, whether you want to do charity, whether you want to do business, whether you want to add some scientific value. So ek vision clear honi chahiye sabse pehle. So sabse pehle apna vision board taiyar karo. Sab log aajkal sab Instagram pe likhte hain, make the vision board, make the vision board, make the vision board. Ko banana padega hum sabko, jo logo ko lab set karni hai. To vision board bana. और फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, विकास में सर ने वाला पॉइंट तो बोला, फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर, क्योंकि बहुत लोग प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो करते, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, थैंक यू सर, विल सी यू सून द नेक्स्ट। या या, श्योर श्योर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी गुड। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू।